चलिए अब जानिए ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। यदि कोई फंक्शन को एक्स के सापेक्ष एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। यदि एक्स के सापेक्ष एक बार डिफरेंशिएट होता है फंक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कहा जाता है। उसको रिप्रेजेंट करना है किस प्रकार, जैसे कि वाई बराबर यदि एफ एक्स फंक्शन है, वाई बार एफ एक्स फंक्शन है तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एस भी लिख सकते हैं, या तो आपका डी वाई बाई डी एस भी लिख सकते हैं, या तो बाई वन भी लिख सकते हैं, या तो आपका बाई डैश भी लिख सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स बाई वन या बाई डैश, और इधर आपका एफ है ये, उसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएट होगा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी फंक्शन को पुनः एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो क्या कहलाएगा, वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। जैसे उसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से करना है, वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या तो दूसरी तरीका होता है बाई टू लिखिए, या तो आपका बाई पर डबल डैश या एफ पर डबल डैश और एक्स हो गया। इसी प्रकार से यदि तीसरे बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसको लिखा था थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, या तो आपको वाई थ्री, या तो वाई ट्रिपल डैश, या आपका एफ ट्रिपल डैश एक्स रहेगा। यदि इसी प्रकार से यन बार डिफरेंशिएट किया जाए, यानी यन का मतलब चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, तो यदि यन बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको यंथ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कहा जाता है, यंथ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब यंथ ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका डी एन वाई अपॉन डी एक्स द पावर एन, या आपका बाई एन, या तो आपका बाई पर एन डैश रहेगा डॉट 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 एन, या तो आपको एफ डॉट डॉट डैश डॉट डॉट एन एक्स। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन डैश। जैसे कि यहाँ पर तीन बार डिफरेंशिएट हुआ था 3 डैश, चार बार होगा तो 4 डैश, पांच बार होगा तो आपका 5 डैश। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। यहाँ पर आप लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो डिस्कस हो चुका है, नेक्स्ट आपको जाना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको एक फंक्शन लेते हैं जैसे कि वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब समझ ही रहे होंगे, दो बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा डी वाई अपॉन डी एस निकलेगा, दोबारा इसी को डिफरेंशिएट कीजिए डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकलेगा। तो फर्स्ट बार डिफरेंशिएट पहले करते हैं उसके बाद सेकेंड बार होगा। तो फर्स्ट बार डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इधर होगा डी एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 अपॉन डी एक्स, इम्प्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा अलग अलग डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x² 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर एक घटेगा 2 हो जाएगा, प्लस 3 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा, फिर प्लस 4 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा, एस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 1 हो गया, फिर प्लस 5 कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए, तो इम्प्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स जो निकल गया वो हो गया 3x² प्लस 6x प्लस 4 हो जाएगा। अब अगेन इसको फिर डिफरेंशिएट करना है इसी फंक्शन को, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो इसको फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा एक्स के सापेक्ष, तो इधर क्या डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले डी
डी वाई अपॉन डी एक्स और बटे डी एक्स। क्योंकि भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कैसे लिखते हैं? ऊपर उस फंक्शन में डी लगाते हैं, नीचे डी एस लिखाता है। तो ऊपर इसमें डी लगा दिए, नीचे आपका डी एस लिखा गया। इधर क्या हो जाएगा, डी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर और अपॉन डी एक्स। चलिए ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी स्क्वायर, दो गो डी हो गया तो डी स्क्वायर वाई ऊपर हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई या नीचे डी एस स्क्वायर, इधर इम्प्लाई लगेगा। नीचे क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब थ्री एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जानते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट ऑर्डर में होता था उसी इस प्रकार से इसमें भी होगा। थ्री कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकल गया, पावर दो है, दो से गुना हो जाएगा और एक पावर घटेगा तो एक्स बचेगा, प्लस सिक्स कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर निकल गया, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और प्लस फोर कॉन्स्टेंट टर्म में इसका जीरो हो गया। तो इम्प्लाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा तीन छः एक्स प्लस आपका सिक्स आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, यदि आपका वाई इजकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है, इसमें डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेगा, यानी डबल डिफरेंशिएशन करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का मतलब डबल डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन फिर उसके बाद दूसरा डिफरेंशिएशन। तो पहले कीजिएगा डी वाई बटे डी एक्स, फर्स्ट बार फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। फिर इसको सेकेंड डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट बार हो गया पुनः फिर करना है इसको अगेन सेकेंड डिफरेंशिएशन, तो आपका डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखाएगा। इधर क्या हो जाएगा, डी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब जानते हैं इम्प्लाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो माइनस का माइनस रह गया। इसमें माइनस कॉमन लीजिएगा तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉमन लीजिए साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पर क्या रखाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के पर क्या रखाएगा, वाई रखाएगा। तो आपका क्या निकल गया, डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन, सॉरी डिफरेंशिएशन जो फाइनली निकल गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई हो गया। तो इस प्रकार से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला जाता है। तो निकालना आसान है, नियम सारा वही है, केवल यही ध्यान रखना है कि सेकेंड ऑर्डर कहेगा निकालने के लिए, डबल डिफरेंशिएशन कहेगा करने के लिए, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट कीजिए फिर उसी को आप दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये बहुत आसान है।